जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 में आंगनवाड़ी में सहायिका का पद काफी दिनों से रिक्त था, जिसमें निर्मला देवी पति समयलाल हरिजन निवासी गाढ़ा 138 द्वारा सहायिका पद पर आवेदन किया था, जिसमें पांचवी कक्षा में 74% रिजल्ट था, जिसमें अन्य आवेदिका ज्ञानवती सोनकर का प्रतिशत कम होने की दशा पर फर्जी अंक सूची बनवा कर मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इस बात का दावा निर्मला देवी कर रही है। वहीं इस संबंध में जनपद अध्यक्ष रन्नू बी डी पांडे से आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई है और अब यह देखना है कि इस मामले पर महिला बाल विकास विभाग किस तरह से कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। क्या समस्या है आपको? समस्या यह सर कि जगह खुली है आंगनबाड़ी से सहायिका कार्यकर्ता का, तो मैं फार्म डाले थे तो वो मतलब फर्जी फार्म डाले थे, और तो विधिवत जांच हम मांगते हैं कि अपनी अंग सूची की हमको जांच दीजिए, तो नहीं देते हैं महिला बाल विकास से। तो आज 2 साल से मैं इसी में परेशान हूँ। तो आपने महिला बाल विकास के अधिकारियों से बात की? जी सर, यही थे तो नहीं कराता ही, कहा था कि वह भाई तुम्हार होई जेकर तो होवई करी। अच्छा, तो जो सामने अंक सूची जो लगाई गई थी फर्जी वाली, उनका क्या नाम है? एक ज्ञानवती सोनखर पति का नाम, एक है कलावती 36 पति, एक हम लक्ष्मी देवी बबुल का नाम लवलेश पति, एक हाँ कल्लू। उसमें कितने को नौकरी मिली है? मिली किसी का नहीं है सर, हम पे लोग मतलब लगा दे ना आपात फिर जब उनका नियुक्ति हो के भाई, तो मैं गए हूँ रीवा जिला पंचायत में, तो वहाँ गए दिखान अपन रिकॉर्ड, तो कहें तुम्हारा किसी के नहीं होगा, जिसका होना हो रहा तो हो गया, तुम क्यों बार बार आती हो ये परेशान होती हो, चले आन। तो जिसने फर्जी मार्कशीट लगाई थी उसकी नौकरी लग गई? नहीं, नियुक्ति करा रहे हैं तो करा ही नहीं पाए। हाँ नहीं भाई, आपत लगा। आपत चाहती हैं आप कलेक्टर से? अब ये चाहती हैं सर कि हो तो सही के सही हो जाए।